नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों, हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था बीकॉम पार्ट फर्स्ट का, स्टैटिस्टिकल एवरेज यानी कि सांख्यिकीय माध्य, जिसके अंदर हमने सरल समांतर माध्य पढ़ा था। सरल समांतर माध्य में भी हमने 3 श्रेणियाँ पढ़ी थी। उन श्रेणियों के अंदर हमने 2 मैथड पढ़े थे, प्रत्यक्ष विधि और लघु रीति, और तीसरी श्रेणी के अंदर हमने पद विचलन रीति भी पढ़ी थी। तो वो था सरल समांतर माध्य। अब बात आती है भारित समांतर माध्य की, वेटेड अरिथमेटिक एवरेज। इसकी 2 रीतियाँ हैं, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। प्रत्यक्ष रीति का जो फॉर्मूला है वो है एक्स बार बराबर सिग्मा डब्ल्यू एक्स बटे सिग्मा डब्ल्यू। लघु रीति का जो फॉर्मूला है एक्स बार डब्ल्यू बराबर ए प्लस सिग्मा डब्ल्यू डी एक्स बटे सिग्मा डब्ल्यू। इन 2 फॉर्मूलों के आधार पर आपका भारित समांतर माध्य कम्प्लीट होगा। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपको एक सैलरी दी गई है 5 कर्मचारियों को, जिसे हमने एक्स मानते हुए लिखा है 30,000, 21,600, 18,750, 15,000, 7,500। डब्ल्यू यानी कि वेट यानी कि भार, उनकी सैलरी पे जो भार है वो है 1, 10, 20, 60 और 9। अब चलिए इसी एग्जांपल को हम प्रत्यक्ष रीति से करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले हमें डब्ल्यू एक्स को मल्टीप्लाई करना होगा, इस डब्ल्यू को इस एक्स से। तो 30,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 रुपये, 21,600 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,16,000 रुपये, 18,750 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18,750 मल्टीप्लाई बाई 20 3,75,000 रुपये, 15,000 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 9,00,000 रुपये, 75,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 6,75,000 रुपये। सबसे पहले तो हमारा स्टेप रहेगा प्रत्यक्ष रीति से भारित समांतर माध्य में कि x को w से मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है। अब इस डब्ल्यू एक्स को हमें जोड़ना है 30,000, 2,16,000, 3,75,000, 9,00,000, 6,75,000 रुपये, तो 21,96,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब फॉर्मूले के अंदर हमने डब्ल्यू एक्स फाइंड कर लिया, अब हमें चाहिए सिग्मा w। तो w हमारे पास है तो इसका टोटल करेंगे हम 60, 70, 80, 90 और ये 100 हो गए। तो इसका फॉर्मूला लगेगा सिग्मा डब्ल्यू एक्स बटा सिग्मा डब्ल्यू एक्स बार बराबर। तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स कितना आया 21,96,000 और सिग्मा डब्ल्यू कितना है 100। तो 100 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 21,960। ये हमारा प्रत्यक्ष रीति से भारित समांतर माध्य आ चुका है। अब इसी एग्जाम्पल को हम लघु रीति से करके देखते हैं। चलिए लघु रीति से इसी एग्जाम्पल को करते हुए समझते हैं। तो लघु रीति से करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें डी एक्स चाहिए, डी एक्स। हम डी एक्स का कॉलम बनाएंगे, डब्लू एक्स का कॉलम नहीं बनाएंगे। डी एक्स के कॉलम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए मानकर चलना पड़ेगा। तो ए इस एक्स में से मानेंगे, तो इसमें से मैंने 18,750 को ए मान लिया। अब इस एक्स में से ये ए घटाते हुए चलेंगे तो हमारा ये कॉलम कंप्लीट होगा। चलिए 30,000 में से 18,750 कम करते हैं, 30,000 माइनस 18,750 तो 11,250। ठीक है, 21,600 माइनस 18,750 2,850। 18,750 में से 18,750 गए तो 0, 15,000 माइनस 18,750 तो माइनस के 3,750, और 7,500 कम करेंगे 18,750 में से तो 11,250, माइनस के 11,250। अब हमें ये जो डी एक्स कॉलम है उसको हमें डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये जो डी एक्स कॉलम है इसको डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। तो ये हमारा नया कॉलम निकल के आएगा डब्ल्यू डी एक्स। ठीक है, तो 11,250 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11,250, 28,50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,500, ये 0, और 60 को करेंगे 3,750 मल्टीप्लाई बाई 60 2,25,000। 11,250 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 101,250, ये माइनस में और ये प्लस के, तो प्लस प्लस की एक जगह इकट्ठे कर लेंगे 39,750, ये आपके प्लस के। ठीक है, और माइनस के कितने हैं आपके 2,25,000, 101,250, ये आएंगे आपके माइनस के 3,26,250 रुपये। अब देखिए माइनस के अधिक है प्लस के कम है, तो माइनस के कितने बचे
286,500, तो माइनस के बचेंगे माइनस के 286,500, ये आ गया। अब लघु रीति का जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे, एक्स बार डब्लू बराबर ए प्लस सिग्मा डब्लू डी एक्स बटे सिग्मा डब्लू, ए कितना 18,750 प्लस सिग्मा डब्लू डी एक्स कितना आया माइनस के 286,500, माइनस के 286,500 और डब्लू कितना है 100। अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे 18,750 प्लस माइनस माइनस 2,865, क्योंकि जब इसमें इसका डिवाइड करेंगे ना सिग्मा डब्लू डी एक्स में सिग्मा डब्लू का, तो ये दो बिंदी से ये दो बिंदी कट जाएंगी तो 2,865 बच जाएंगी। अब उसको हम माइनस कर देंगे 18,750 में से, माइनस 2,865 तो 15,885, 15,885 रुपये ये भारित समांतर माध्य से आ जाएंगे। तो यही था हमारा समांतर माध्य भारित से। तो दोस्तों आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूले और ये एग्जांपल समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो में हम मध्य का और बहुलक के बारे में चर्चा करेंगे।